आज मैं नवम वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोग अयादि संधि पढ़ लिए थे और मैंने आपको कहा था कि अयादि संधि को हम दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला हिस्सा था अयाय, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि अयाय दो शब्दों से बना है, अय और आय, जिसका बहुत सारा उदाहरण भी आपने देख लिया था। और आज हमें देखना है अवाब, जिसका अर्थ है अब और आब। अब देखते हैं कि अब और आब जो बनेगा उसके लिए प्रथम पद के अंत में क्या रह सकता है। तो प्रथम पद के अंत में ओ रहेगा या और है। जबकि दूसरे पद के शुरू में कोई भी स्वर रहेगा। दूसरे पद के शुरू में कोई भी स्वर रह सकता है। उस परिस्थिति में ओ का परिवर्तन अब में होता है और औ का परिवर्तन आब में होता है। अब ओ का परिवर्तन जो अब में होगा और औ का परिवर्तन जो आब में होगा, उसके बाद दूसरे पद के शुरू में कौन सा स्वर आता है उसकी मात्रा को हम अब के ऊपर लगाकर, व के ऊपर लगाकर और दोनों पदों में संधि कर देंगे। तो अब देखिए कि अगर प्रथम पद के अंत में ओ है और दूसरे पद के शुरू में ओ रहता है तो ओ का परिवर्तन होगा अ व हलंत। उसमें दूसरे पद के शुरू का ये अ जुड़कर पूरा पूरा अव बन जाएगा, जिसका उदाहरण है पो जोर अनम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प में ओकार है अर्थात ओ की मात्रा है और अनम का पहला अक्षर अ है। ये दोनों मिलकर पूरा पूरा अव बन जाएगा, शब्द बन जाएगा पवनम। ठीक इसी प्रकार अगर प्रथम पद के अंत में ओ रहे और दूसरे पद के शुरू में ई रहता है तब क्या होगा, तो इस परिस्थिति में प्रथम पद के अंत का ओ औ में परिवर्तित होगा और दूसरे पद के शुरू का ई हस्वीकार में परिवर्तित होगा और वो हस्वीकार व के ऊपर लग जाएगा। अब ये बन जाएगा पवित्रम। बस इसका एक पार्ट और है कि अगर प्रथम पद के अंत में औ रहता है और दूसरे पद के शुरू में औ रहेगा तो ये औ और अ दोनों मिलकर बन जाते हैं आव। ये कैसे हुआ, तो औ का परिवर्तन आव में हुआ जिसमें हलंत रहा होगा और अ के साथ मिलकर वो पूरा पूरा आव बन गया। उदाहरण लेते हैं बहु जोर अकह, तो औ और अ मिलकर आव हो जाएगा और उस आव को प में लगा देने से पाव बन जाएगा, अर्थात पूरा शब्द बन जाता है पाव कह।
पूरा शब्द पावकः बन जाता है। इसी प्रकार अब अगर प्रथम पद के अंत में औ रहे और दूसरे पद के शुरू में इतम रहे तो अब आव और ई मिलकर के आवी हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पावितम। तो इस प्रकार हमने देखा कि ओ या औ का ओ और औ का परिवर्तन औ और आव में होता है और दूसरे पद के शुरू की जो का जो स्वर है उस स्वर की मात्रा व के ऊपर लग जाती है और फिर दोनों पद आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हमारा अयादि संघ समाप्त हुआ। दैट्स ऑल।